विवाद होता रहा जिसके बाद पति ने पत्नी को छोड़ दिया। टीम न्यूज स्टे। चले सीधा रुख करते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, जो इस वक्त उत्तरकाशी पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ करें सुनवाते हैं। तमाम समय से जो देवभूमि के मूल स्वरूप को बिगाड़ने का प्रयास हो रहा था, उसको ठीक करने की दिशा में हमने प्रयास करा। इसी कीमत पर हम बिगड़ने नहीं देंगे। उस स्वरूप को बनाए रखना हमारा संकल्प है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम बदलते हुए भारत में देश की माताओं बहनों के लिए जो अनेकों अवसर है, अनगिनत अवसर है, उनको मैं शब्दों में व्यक्त करूं तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। अनेकों अवसर आज आ रहे हैं। आज गांव गांव में हमारी मातृशक्ति के लिए जहां घर बन गए, प्रधानमंत्री आवास योजना में शौचालय बन गए, गैस बन गए, गैस मिल गई है, बिजली पानी जैसी मूलभूत जो सुविधाएं, उन सुविधाओं से जोड़ने का काम हो रहा है। बेटियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और दूसरी आवश्यक जरूरतों पर भी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरी प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। आज देश भर में स्वयं सहायता समूह से जुड़कर, यहां भी मैं देख रहा था, बहुत सारी माताएं बहने अनेकों स्वयं सहायता समूह का संचालन कर रही हैं और आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ रही हैं। उत्तराखंड में भी हमारी बहने स्वयं सहायता समूह में प्रत्येक क्षेत्र में आज बहुत अच्छे अच्छे काम उन्होंने किए हैं, जिसका जुटता जागता उदाहरण आज के आपके द्वारा लगाई गई यहाँ पर प्रदर्शनी है, यहाँ के स्टॉल है। महिलाओं में स्वरोजगार का दायरा बढ़ाने तथा जो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है उसमें अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मोदी जी ने जो स्वतंत्र भारत में पहली बार जो प्रयास किए हैं, या जो मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए चाहे संसद के अंदर नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास किया हो, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। भूतों ने भविष्य की हमारी माताओं बहनों को आगे लाने के लिए जो काम उनके द्वारा किया जा रहा है, उन्हीं के मार्गदर्शन में प्रदेश के अंदर भी हम अपनी मातृशक्ति को, हमारी दीदी बुढ़ियों को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आज हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निरंतर इस प्रयास में लगे हैं कि हमारी मातृशक्ति के जीवन को जितना ऊपर उठाया जा सकता है, जिनको उन्नयन की ओर ले जाया जा सकता है, उत्कृष्ट बनाया जा सकता है, उनको सशक्तिकरण की ओर ले जाया जा सकता है, हर प्रकार से उनको आत्मनिर्भर बनाना हो या उनको स्वरोजगार से जोड़ना हो, रोजगार से जोड़ना हो, उस सभी क्षेत्रों में हम तेजी से काम कर रहे हैं। इसीलिए हमने इस प्रक्रियाओं के तहत 30% का आरक्षण राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में हमारी माताओं बहनों को, दीदी बुढ़ियों को देने का हमने यहाँ पर कानून बना दिया है, यहाँ पर हमने विधेयक पास कर दिया है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हमारे राज्य के अंदर, हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में हमारी माताएं बहनें कितनी कठिनाइयों में काम करती हैं, उनका जीवन कितनी कठिनाइयों में बीतता है, किस प्रकार से वो अपने खेती बाड़ी करती है, किस प्रकार से बच्चों का लालन पालन करती है, अपने घर में जानवरों को पालती है, किस प्रकार से अपने बेटे बेटियों को पढ़ाने के लिए भेजती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ये विधेयक विधानसभा के अंदर लाकर ये विधेयक में सुनिश्चित कर दिया कि जितनी भी हमारी सरकारी नौकरियां निकलेंगी उसमें 30% का आरक्षण केवल और केवल हमारी माताओं बहनों के लिए होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, लखपति दीदी योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी योजना और नंदा गौरा योजना, मातृ वंदना योजना, महिला पोषण जैसी अनेकों योजनाएं हमने प्रारंभ की हैं। उन योजनाओं के बारे में बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूं, हम उन सभी योजनाओं को अमल में ला रहे हैं या आगे भविष्य में लाएंगे, जिससे हमारी दीदी बुढ़ियों के जीवन स्तर में उनके आगे बढ़ने के अवसर प्रदान हो, उनके आगे बढ़ने के रास्ते बने। हम अपनी मातृशक्ति को स्वावलंबी बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं जो हमें करने चाहिए। आदरणीय मोदी जी के विजन के अनुरूप हमारी प्रदेश की सरकार प्रदेश के विकास के लिए संपूर्ण तरीके से प्रतिबद्ध है और यह हमारा प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक उत्तराखंड के अंतिम छोर में अंतिम व्यक्ति तक विकास की धारा नहीं पहुंच जाती है। जब तक हम विकास समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक नहीं पहुंचाते हैं, तब तक हम चैन से नहीं बैठने वाले हैं। मुझे प्रसन्नता है आप सबके द्वारा लगातार जो हमारा विकल्प, यही संकल्प है हमने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए,
प्रदेश को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए, आदर्श राज्य बनाने के लिए, एक मॉडल राज्य बनाने के लिए जो प्रयास प्रारंभ किए हैं, जो विकास की यात्रा प्रारंभ हुई है, उस विकास की यात्रा में मेरे उत्तराखंड का एक एक जन उसका सहभागी बन रहा है, उसमें सहयात्री बन रहा है और उसने संकल्प लिया है कि हम जो है उस गंतव्य तक पहुंचेंगे। भाई बहनों, ये जो विकल्प है, संकल्प की बात मैं करता हूँ, उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने की बात करता हूँ, ये केवल अकेले मेरा संकल्प नहीं है, ये इस मंच पर बैठे हुए लोगों का भी संकल्प नहीं है या कुछ लोगों का संकल्प नहीं है, ये उत्तराखंड के हर एक माता बहन का, हर एक हमारे बुजुर्ग का, हर एक नौजवान का और भविष्य के हर एक हमारे बच्चों का जो हमारे कर्णधार है उनको उनका संकल्प है। इसलिए इस संकल्प की पूर्ति के लिए हमको आगे बढ़ना होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, उन्होंने सबसे पहले हमारे पवित्र धाम बाबा केदारनाथ के धाम से कहा था कि 21वीं सदी का जो तीसरा दशक है वो उत्तराखंड का दशक होगा भाइयों बहनों, और उनके मुंह से निकले हुए सब आज धरातल पर उतरने शुरू हो गए हैं। आप हर क्षेत्र में देखिए, आप चाहे चारधाम यात्रा हुई, आप सब लोगों ने देखा होगा पहले के समय में किस प्रकार की चारधाम यात्रा होती थी, कुछ लाखों लोग बड़ी मुश्किल से आ पाते थे और अब हमको लोगों से कई बार निवेदन करना पड़ता है कि मौसम खराब हो गया है, बर्फबारी ज्यादा हो गई है, ज्यादा बरसात हो रही है, सड़कें ठीक नहीं है, आपदा की स्थिति हो जाती है, उस समय हम निवेदन करते हैं कि भाइयों बहनों उस समय में आप इसको रोक दीजिए, रोकने का काम करिए। हम पूरे देश के लोगों से लगातार कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप 56 लाख लोगों के साल की बात करें, हर साल यात्रा में लगातार लोगों की संख्या बढ़ रही है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड तेजी से हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। अभी अभी आप लोगों ने सिलप्यारा की घटना का यहाँ से उल्लेख किया, मैं बाबा गोपनाथ जी को प्रणाम करता हूँ कि उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, दुनिया के अंदर इतना बड़ा जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और उसमें हर एक व्यक्ति ने, इस जनपद के और प्रदेश के और देश के लोगों ने अपना योगदान दिया। मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, अपने प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनके मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में हमको जिस चीज की भी आवश्यकता हुई उन्होंने वो सारी टेक्नोलॉजी। चलिए बढ़ते आगे और गाजियाबाद से बड़ी